नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो खाना खाते समय ठंडा पानी साथ लेकर बैठते हैं तो अपनी ये आदत तुरंत बदल डालिए। जी हाँ, ठंडा पानी पीने की आपकी ये आदत आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ठंडा पानी पीने से आपकी पाचन शक्ति पर बुरा असर पड़ सकता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। इतना ही नहीं, ठंडा पानी पीने से पित्ताशय को भी नुकसान पहुंचता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यही वजह है कि हमारे शरीर के लिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला पानी उपयुक्त होता है। इससे ज्यादा ठंडा पानी पीना हानिकारक होता है। आइए जानते हैं खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीने से क्या नुकसान होता है। आपको बता दें कि ये आपके लिए कब्ज की समस्या पैदा कर सकता है। दरअसल ठंडा पानी पेट में पहुंचकर मल को कठोर बनाता है और जब आप वॉशरूम में लू के लिए जाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप खाना खाने के बाद ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो पेट की बड़ी आंत भी सिकुड़ जाती है, जो कब्ज का एक बड़ा कारण बनती है। जिन लोगों को अक्सर कब्ज की समस्या होती है उन्हें ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने की आदत आपके दिल के लिए खतरनाक हो सकती है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने चीन और जापान के लोगों पर इस रिसर्च को पूरा किया। चीन और जापान के लोग खाना खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीते। इसके अलावा ठंडा पानी खाने के साथ मिलकर पेट में उपस्थित एसिड के संपर्क में आता है तो ये फैट में बदल जाता है, जो कई गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीने से शरीर में बलगम बनाता है। इसके अलावा आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, जिसकी वजह से जुकाम होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि खाना खाने के बाद कभी भी ठंडा पानी ना पिए। इसके अलावा ठंडा पानी पीने से बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो काम करने लगता है और शरीर में ज्यादा काम करने की क्षमता नहीं रह जाती है। इसलिए एक बड़ी वजह ये भी है कि ठंडा पानी शरीर से फैट को रिलीज नहीं कर पाता, जिस वजह से शरीर सुस्त रहता है और एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।